पूरी ट्रैकिंग का इंतजाम है, पहाड़ों के बीचों बीच है। मात्र 300 रुपए में आपको ये होम स्टे मिल जाएगा। मतलब आपके बेटे की बेटी है। अरे नहीं, लड़कियां पैर नहीं छुआ करते। अरे लड़कियां पैर नहीं छूती है, ये हमारे बच्चे हैं। गढ़वाली फैमिली है पूरी। ऐसे पूरा पौड़ी दिखाई पड़ रहा है सामने। पौड़ी की सीनरी। हमारे होम स्टे में जरूर आना। आखिर हम कल शाम के चले हुए, आज सुबह 10 बजे पहुँचे हैं खिरसू। तो दोस्तों, ये मेरी खिरसू की ट्रिप का तीसरा व्लॉग है। पहले व्लॉग में हम ऋषिकेश से घुड़दौड़ी पहुंचे थे और दूसरे व्लॉग में हम घुड़दौड़ी से पौड़ी पहुंचे थे। पर ये व्लॉग मेरे लिए इमोशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जीविका और खुशी पुंडीर, जिनसे मैंने ये प्रॉमिस किया है कि उनके होम स्टे का ये व्लॉग मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि उत्तराखंड आने वाले लोग इस होम स्टे में रुक सकें और इन दोनों बच्चियों के भविष्य को बनाने में इनकी पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। और आगे की बात आपको राजेश खन्ना बताएंगे जी। पौड़ी से खिरसू में निकल पड़ा था रे अपने पिछले व्लॉग में, जैसा कि आपने देखा ही होगा। और खिरसू से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले ही मैंने गाड़ी रोक दी। क्यों रोकी? क्योंकि मुझे वहां पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिख गया रे, और जहां मुझे हनुमान मंदिर दिखाई पड़ता है वहां मैं गाड़ी रोक देता हूँ। मैं एक हनुमान मंदिर से होता हुआ आया हूँ, खिरसू की तरफ जा रहा हूँ पौड़ी से, और एक और हनुमान मंदिर है तो ये भी देखते हैं और दिखाते हैं। वो हनुमान मंदिर मेन रोड से तकरीबन 200 मीटर नीचे था, जंगल का रास्ता था, बहुत ही बेहतरीन। आपको भी मजा आ जाएगा, जाना जरूर। आगे से गाय आ रही है गिव वे। पक्षी बनू उड़ती फिरूं खुले गगन में। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मैंने देखा वहां पर एक घर भी था, एक गढ़वाली फैमिली का। तो पहले बजरंग बली का आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गढ़वाली फैमिली का ये बेहतरीन होम स्टे। देखिए ये डॉगी कितना भारी भरकम डॉगी है। ये एक फैमिली यहाँ पर सामने है, गढ़वाली फैमिली। आइए उनका घर आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत सिंह पुंडीर। भरत सिंह पुंडीर। गांव का नाम क्या है? पट्टी कटोलचो। हाँ, जिला पौड़ी गढ़वाल। जिला पौड़ी गढ़वाल। और ये बच्चे हैं, कैसे बेटा? नहीं, लड़कियां पैर नहीं छुआ करती। अरे लड़कियां पैर नहीं छूती है, ये हमारे बच्चे हैं। तो बेटा नमस्ते कर दो। नमस्ते। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली रहती है ये पूरा गढ़वाली आर्किटेक्चर। गढ़वाली फैमिली है पूरी। ये है पुंडीर जी, इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, ये इनका घर है, ये फैमिली है। पुंडीर जी, आप ही के बच्चे हैं? जी हमारे नतीनी है। नतीनी है, यानी कि नाना? नहीं, दादा। दादा है, ठीक है। यानी कि आपके लड़की के लड़के? लड़के की लड़कियां। लड़के की लड़कियां। हाँ। लड़के की लड़कियां। ये बड़े वाले की है, मतलब हमारे मतलब आपके बेटे की बेटी है। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आपके बेटे की बेटी है। अच्छा, कोई आएगा तो कहाँ रखवाओगे उसे, कहाँ रुकवाओगे? तो आइए अब आपको यहाँ के कमरे भी दिखा देते हैं। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 कमरे हैं, 2 अभी बन रहे हैं और 2 बन चुके हैं। पहले वो दिखाते हैं जो अभी बन रहे हैं। ये देखिए, ये कमरे देखने में आपको अभी बड़े ऑर्डिनरी से लग रहे होंगे, पर इनका प्राइस भी बहुत ऑर्डिनरी है। और दूसरी बात यह है कि कमरे अभी बन रहे हैं। ये कमरे बिल्कुल गढ़वाली आर्किटेक्चर से बने हुए हैं और अब इनमें रंगाई पुताई का काम चल रहा है, ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। ये आपको व्यू मिलेगा पीछे जंगल का, ये पूरा इसमें, ये सामने पहाड़ों का व्यू है। काम चल रहा है इसमें। ये है, ये है टॉयलेट है, अभी तो फिलहाल यहाँ काम चल रहा है। चलिए आपको अब वो कमरे दिखाते हैं जो रेडी टू यूज हैं। ये देखिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, कमरे बहुत बड़े बड़े हैं, 2 रूम्स हैं, दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं। तो अगर आप बड़ा ग्रुप हैं तो ये दोनों रूम्स ले सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें एक किचन भी अटैच है। ये बच्चे हैं, ये आपके साथ खेलने को मिलेंगे, 2-2 बच्चे। ये बाथरूम है, नहाने का। ये टॉयलेट है इंग्लिश स्टाइल। देखिए सरकार ने क्या कहा है, होम स्टे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप किसी गढ़वाली फैमिली के या कुमाऊनी फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रुका करते हैं ना, और वो लोग आपके लिए खाना बनाए और फिर उसके आप चार्ज करें, उसके आप पैसे दें, तो उसको कहते हैं होम स्टे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लोकल फैमिलीज हैं उन सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे, ताकि जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो सिर्फ सेठों और लालाओं की जेब में पैसे डालने की बजाय जो लोग लोकल हैं उनकी जेब में पैसे दे और इनको मदद मिल सके और टूरिस्ट यहाँ भी आए। नीचे बगीचे हैं, गांव भी होगा नीचे हैं। हाँ। तो पूरा आप, अगर आपको ट्रैकिंग करने का शौक है तो ऊपर से आइए मंदिर के रास्ते से और नीचे से चले जाइए, ट्रैकिंग कीजिए। आगे का नजारा है बालकनी से, ये पूरा देखिए। और हमारी गाड़ी वहां पार्क है, ऊपर सेफ है गाड़ी? हाँ, सेफ है। ऊपर आप मार्केट में ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं, उस रास्ते से आपको आना होगा। ये मंदिर है, मंदिर के पहले वाला घर ही है। पुंडीर जी का अचार, चटनी, मुरब्बा सब ऊपर मिल जाता है। यहाँ बोर्ड लगवा देंगे पुंडीर जी का छोटा सा, तो आप अगर मंदिर में आएंगे तो होम स्टे का बोर्ड एक यहाँ लग जाएगा, एक ऊपर लग जाएगा।
आप ही को लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा। पूरा पौड़ी दिखाई पड़ रहा है सामने। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं राड़ी देवी मंदिर जा सकते हैं, यहाँ से मंदिर है, आपको आधे घंटे की ट्रैकिंग मिल जाएगी है। नाम क्या है गुड़िया? जीविका पंडीर और खुशी पंडीर। खुशी यहाँ आओ। तो दोस्तों ये है जीविका पंडीर और ये है खुशी पंडीर, इनका होम स्टे है यहाँ पे। जगह का नाम क्या है? कमलपुर। ऊपर से 300 मीटर नीचे आना पड़ता है आपको। और पता है किराया कितना पड़ेगा आपको होम स्टे में? यहाँ पूरी ट्रैकिंग का इंतजाम है, पहाड़ों के बीचों बीच है। मात्र 300 रुपए में आपको ये होम स्टे मिल जाएगा पंडीर जी का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, यहाँ एक बार जरूर स्टे करना बनता है आपको। एक तो ये लोकल हैं, इनकी हेल्प हो जाएगी, दूसरा आपको यहाँ जीविका और खुशी पंडीर के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। तो बोला बोलो कि ईट एंड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करो। आप इस ईट बोलो, ईट एंड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करो, एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करो और हमारे होम स्टे में जरूर आना। वाओ, सबसे चीप होम स्टे है ये पौड़ी में जो आपको मिलेगा, खिरसू वाली रोड पर है। मैं ऊपर जाके आपको पूरा समझा दूंगा कहाँ रुकना है आपको और कहाँ ये होम स्टे मिलने वाला है। प्लीज इनकी हेल्प कीजिए, यहाँ जरूर आना एक बार। अगर आप पौड़ी आते हैं कभी भी तो एक रात यहाँ रुकिएगा, फिर आप आगे खिरसू पहुंच सकते हैं या पीछे पौड़ी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मैं नीचे मंदिर देखने आया था और एक होम स्टे बना कर जा रहा हूँ। पंडित जी है नीचे, उनका नंबर डाल दिया मैंने और उनके घर में कुछ कमरे खाली हैं, उनकी फैमिली रहा करती है, गढ़वाली फैमिली है। तो वो कह रहे हैं कि हम मात्र 300 रुपए में कमरा दे देंगे और 100 रुपीज़ हम फूड के चार्ज करेंगे। वेजिटेरियन मील्स केवल बनाते हैं, नॉनवेज खाते नहीं। मैं आपको एड्रेस एक बार फिर से समझा देता हूँ, आइए। तो दोस्तों इस होम स्टे का रास्ता थोड़ा आपको समझा देता हूँ। एड्रेस यह है पौड़ी रोड, जो पौड़ी की तरफ से आ रही है और खिरसू की तरफ जा रही है। तो दोस्तों पौड़ी से जब आप आते हैं तो ये जगह पड़ती है फैड़ी खाल। यहाँ पर यह मंदिर है हनुमान जी का और ये एक दुकान आप देख लीजिए, सर का नाम क्या है? अजय पंडित जी का ये दुकान है। और यहाँ से आप 300 मीटर जाएंगे नीचे तो मंदिर के आगे वाला जो घर है वो है पंडित जी का, भरत सिंह पंडित जी का घर। वो एक अच्छा होम स्टे ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप लंबा रुकना चाह रहे हैं। से आपको इस जगह से 5 किलोमीटर आगे खिरसू है और यहाँ का लैंडमार्क अगर आपको चाहिए तो ये एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है। तो यहाँ आप रुक के इस मंदिर में आपको जाना पड़ेगा नीचे और नीचे आपको वो होम स्टे मिलेगा। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, एक बार आप दोबारा पूछ लेना। और अगर आपको कुछ खरीदना हो यहाँ पे, माल्टा बुरांच या अचार, तो पंडित जी के दुकान से आप खरीद सकते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर और आपको लैंडमार्क चाहिए कोई तो ये उल्खा गढ़ी टेम्पल है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है। पीछे ये मार्केट है पूरा जहाँ पर आपको माल्टा वाल्टा जूस वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आप गलती से उस मंदिर से क्रॉस भी करते हैं तो ये शॉप याद रखिएगा और उल्खा गढ़ी टेम्पल याद रखिएगा, उसी के पीछे आपको पंडित जी का होम स्टे मिल जाएगा। आखिर हम कल शाम के चले हुए, आज सुबह 10 बजे पहुँचे हैं खिरसू। पौड़ी पूरा आपको घुमा दिया है और अब जो अगला ब्लॉग है मैं आपको खिरसू घुमाने वाले हैं, खिरसू के कुछ होम स्टे दिखाने वाले हैं और खिरसू में घूमने की जगह क्या क्या है वो दिखाने वाले हैं। तो अगला व्लॉग आपको खिरसू का जरूर देखना है। और पौड़ी का व्लॉग आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा। पौड़ी में वैसे कुछ खास देखने को है नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं पर वो जगह बहुत अच्छी है, मतलब अपने आप में आप सड़क पे भी निकल जाएंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको मसूरी के माल रोड की आदत नहीं है, पौड़ी बहुत बढ़िया जगह है, पौड़ी जरूर विजिट कीजिएगा। और पौड़ी के बाद आप खिरसू आ सकते हैं, यानी कि एक रात पौड़ी में, उसके बाद फिर खिरसू में। अब खिरसू आपको अगले व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ।